खबर बगहा से है। बगहा में राहुल कुमार सिंह ट्रेंडिंग डीएसपी पद भार संभालते ही बैंकों के सामने लगन वाहन तथा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के पहले वो स्टेट बैंक और वहां पर लोगों से पूछताछ की, उसके बाद सेंट्रल बैंक में जाकर मौजूद सीसीटीवी की जांच किए और मैनेजर से पूछताछ किए, बैंक से आने के क्रम की वाहन जांच कर अनेक वाहन जब्त किए और जुर्माना वसूल किया। सर, इस स्टेट बैंक में आप क्या जांच कर रहे हैं? सर, अभी हम लोग बैंक का चेकिंग कर रहे हैं। अभी ब्लू गार्ड वगैरह सीसीटीवी ऑपरेशनल है या नहीं है उसकी जांच कर रहे हैं, और जो भी सस्पेक्टेड लोग होते हैं उनका भी हम लोग जाँच वगैरह करते हैं, ताकि जो भी बैंकिंग संबंधी अपराध है उस पर लगाम लगाया जा सके। सर, अभी जांच में कोई गड़बड़ी मिला? नहीं, सब कुछ सही काम कर रहा है, गार्ड ड्यूटी कर रहे थे, सीसीटीवी ऑपरेशनल है, सब लोग मुस्तैदी से अपना ड्यूटी कर रहे हैं। सर, अभी कुछ शिकायतें यहाँ पे मिली है कि ये लोग काम कुछ सही तरीके से नहीं कर रहे हैं? उनका काम है, हमारा काम जो है वो तो सुरक्षा को लेकर के हम लोग उसका जाँच करते हैं, बाकी बैंक रिलेटेड जो भी समस्या है उसके लिए बैंक मैनेजर से बात करें। सर, अभी बैंक की क्राइम रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं यहाँ पे बगहा में? इसीलिए तो हम लोग हर बैंक का मतलब फिजिकली जांच करते हैं, सीसीटीवी काम कर रहा है कि नहीं है, जो भी सस्पेक्टेड लोग होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं, और जो भी हमें संज्ञान में आता है हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। सर, आगे क्या आप यहाँ के ग्राहकों को सलाह देना चाहेंगे जो बैंक में आ रहे हैं? जो भी ग्राहकों से यही सलाह करेंगे कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति से ज़्यादा कुछ बातचीत ना करें, अगर उनको कोई भी समस्याएं होती है तो सीधे बैंक प्रबंधक से मतलब जो भी उनका प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करें और अनजान लोगों से ना करें, और जो भी है अगर कुछ उन्हें और बैंक के बाहर में कुछ समस्याएं होती है तो हमारा जो थाने का मोबाइल नंबर है उस पर संपर्क करें, और अपना पिन वगैरह किसी से शेयर ना करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बैंक से किसी अनजान आदमी का हेल्प ना लें। सर, प्रशासन के द्वारा इस बैंक में क्या कोई गार्ड मुस्तैद किया गया है? सर, हाँ, बैंक में गार्ड दिया गया है, और हम लोग दिन में लगातार यहाँ मतलब 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मतलब जो थाने स्तर का गश्ती गाड़ी होता है या जो पदाधिकारी है 2 से 3 बार बैंक का इंस्पेक्शन करता है।